2000 किलोमीटर का इलाका सूंघ लेगा भारत का नया हथियार शस्त्र, डीआरडीओ का सबसे नया लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी वाला दमदार हथियार। बीएमडी शील्ड के साथ बनेगा S-400 से 12 गुना ज्यादा शक्तिशाली। भारत के रक्षा कवच को अभेद्य बनाने के लिए डीआरडीओ ताबड़तोड़ जुटा हुआ है। वो भारत को ट्रिपल लेयर्ड कवच से लैस करने वाला है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो एक ऐसा खतरनाक हथियार बना चुका है जो 2000 किलोमीटर तक का इलाका सूंघ कर हथियारों की मौजूदगी का पता लगा सकता है, जिसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन मिलते ही भारत इस खतरे को तबाह करने में देर नहीं करेगा, जिसके बाद भारत का सुरक्षा कवच भयंकर मजबूत हो जाएगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर भारत को रूस के S-400 सिस्टम से भी ज्यादा मजबूती देने की क्षमता रखता है। भारत की डिफेंस ताकत में बेतहाशा इजाफा करने वाले इस बवंडर हथियार की खासियतें और तैनाती के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत ने बना डाला अब तक का सबसे खतरनाक स्वदेशी रडार। हजारों किलोमीटर से आने वाले खतरों की बताएगा एग्जैक्ट लोकेशन। जल्द ही बेहद घातक शस्त्र रडार का शुरू किया जाएगा ट्रायल। रडार किसी भी सुरक्षा कवच का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यही वो तकनीक है जो किसी खतरे के लिए सेना को आगाह करता है और मौजूद चुनौती की एग्जैक्ट लोकेशन देता है, जिसके बाद आगे का काम इंटरसेप्टर मिसाइलें करती हैं। भारत ने इसी मकसद से बेहद ताकतवर रडार तैयार किया है। ये BMD सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। दरअसल भारत BMD प्रोग्राम के तहत बहुत मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। इसे DRDO अंजाम दे रहा है। इसी के लिए ऐसे घातक रडार की जरूरत थी जो जल्द ही तैनात हो सकेगा। हम आपको BMD प्रोग्राम की पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम DRDO के इस अमोघ रडार के बारे में बताना चाहेंगे जो हजारों किलोमीटर से आने वाले खतरों को पहचानने की क्षमता रखता है। DRDO इस हथियार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित कर रहा है, जिसमें वो कामयाबी के बेहद करीब पहुंच चुका है, जिसे एक आध महीने के भीतर ही ट्रायल स्टेज में भेज दिया जाएगा। ये रडार 2000 किलोमीटर की ट्रैकिंग क्षमता रखता है। इसका नाम शस्त्र है। इस रडार की खास बात यह है कि ये लो रडार क्रॉस सेक्शन की क्षमता वाले हवाई खतरों को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। दरअसल आज के वक्त में तमाम देश लो रडार क्रॉस सेक्शन वाली मिसाइलें और एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जिन्हें डिटेक्ट करने में दिक्कत आती है, और ये आसानी से किसी भी सुरक्षा कवच को भेद कर एंट्री कर जाते हैं। लो रडार क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि कम ऊंचाई में उड़ान भरने वाले हथियार, जो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन भारत का शस्त्र रडार दुश्मन की ये होशियारी कामयाब नहीं होने देगा, यहां तक कि ये स्टील्थ तकनीक से लैस हथियारों और ड्रोन्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, जो आधुनिक जंग में गेम चेंजर साबित होगा। DRDO ने BMD प्रोग्राम के लिए पहले भी एक लॉन्ग रेंज रडार को विकसित किया था। शस्त्र को उसी का वेरिएंट माना जा रहा है। BMD रडार को पहले ही अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस किया गया था, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। BMD प्रोग्राम भारत की डिफेंस पावर को बहुत शक्तिशाली बनाने वाला है। इसे 3 स्टेज में लॉन्च किया जा रहा है, जिसका पहला स्टेज पूरा होने वाला है। भारत के हर शहर को दिया जाएगा बेहद मजबूत सुरक्षा कवच। इस ऑपरेशन को अंजाम देंगी खतरनाक इंटरसेप्टर मिसाइलें। पृथ्वी और AD सिस्टम की तैनाती से कांप जाएंगे दुश्मन। जंग में मिसाइल सहित तमाम हवाई खतरों की चुनौतियां बनी रहती हैं। भारत के लिए इस वक्त चीन पाकिस्तान के रूप में 2 बड़े खतरे हैं, जो भारत की तबाही के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इन दोनों दुश्मनों की तबाही का भारत ने इंतजाम कर लिया है, लेकिन इनकी तरफ से होने वाले हमलों को तबाह करने के लिए मजबूत डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों देश परमाणु क्षमता से लैस हैं। इसी वजह से भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों सहित हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरों रोकने के लिए बेहद खतरनाक इंटरसेप्टर तैयार करने में लगा है। ये BMD मिशन का तीसरा चरण होगा। इन मिसाइलों की डिजाइनिंग की जा चुकी है और 3 से 4 साल में इनकी तैनाती हो जाएगी, जिसके बाद भारत किसी भी हवाई खतरे को हवा में ही तबाह कर सकेगा। जबकि इसके फर्स्ट स्टेज के तहत पृथ्वी डिफेंस व्हीकल
और एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम को देश भर में तैनात किया जा रहा है। ये सिस्टम 2000 किलोमीटर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की क्षमता रखता है, जिससे मीडियम रेंज मिसाइल हमलों से सुरक्षा पुख्ता हो जाएगी। इसके लिए दो लेयर वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई गईं। ये हैं पृथ्वी एयर डिफेंस की मिसाइलें, जो बेहद ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर सकती हैं, जबकि एडवांस्ड एयर डिफेंस की मिसाइलें कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिराने में सक्षम हैं। पीएडी सिस्टम की मिसाइलों की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर है। ये जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर दुश्मन टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। ये मिसाइलें 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। इसमें पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइलें शामिल हैं। अगर एडवांस्ड एयर डिफेंस यानी AAD की बात करें, तो इसकी मिसाइलें वायुमंडल के नीचे 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को तबाह कर सकती हैं। इनकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। ये मिसाइलें 5,556 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं, जबकि दूसरे चरण की इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें इस्तेमाल की गई इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम AD-1 और AD-2, जिसके जरिए अब दुनिया की कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है, उसे भारत की धरती पर गिरने से पहले ही वायुमंडल के ऊपर ही खत्म कर दिया जाएगा। DRDO ने देश के लिए स्वदेशी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बनाया है, जिस पर वो लगातार काम कर रहा है। उसके लिए राडार तैयार किए गए और देसी मिसाइलों का जखीरा खड़ा किया। फेज 2 सिस्टम को लंबी दूरी के रडार की जरूरत थी, जबकि फेज 1 में 600 किलोमीटर की रेंज वाले रडार का इस्तेमाल किया गया था, और अब कम से कम 1500 किलोमीटर के रेंज वाले रडार और मैक 6 से 7 पर उड़ने वाली नई हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत थी, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। इसी ताकत से लैस BMD फेज 2AD-1 इंटरसेप्टर का दूसरा फ्लाइट टेस्ट किया जा चुका है। ये टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा था, जिसके बाद भारत ऐसी क्षमता रखने वाले दुनिया के गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। कई मायनों में एडी एक अमेरिकी थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल से भी ताकतवर है, जिसे वायुमंडल के अंदर बेहद ऊंचाई पर टारगेट मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। थर्ड 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है और 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है, जबकि AD-1 से अलग थर्ड इंटरसेप्टर एक सिंगल स्टेज मिसाइल है। लेकिन दो स्टेज इंटरसेप्टर सिंगल स्टेज इंटरसेप्टर से कई मायनों में बेहतर होता है, जैसे कि रेंज काफी ज्यादा होना, स्पीड ज्यादा होना और तेज स्पीड के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ना। AD-1 इंटरसेप्टर का एक वेरिएंट S-400 सिस्टम में भी इस्तेमाल किए जाने की योजना है, जिसके लिए उसमें कुछ बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। इस मिसाइल सिस्टम से निकलने वाली मिसाइल पहले पृथ्वी की निचली कक्षा में जाएगी और फिर वहां से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करेगी। फायर होने के बाद ये मिसाइल पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल सिस्टम 35,786 किलोमीटर में स्थित ऑन ऑर्बिट में मौजूद कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है, जबकि AD-2 मिसाइल का विकास अभी किया जा रहा है और जल्द ही इसका टेस्ट हो सकता है। AD-2 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ कम ऊंचाई और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमानों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 2 स्टेप में काम करती है और सॉलिड मोटर का इस्तेमाल करती है। ये मिसाइल का लक्ष्य तक सटीक गाइडेंस के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से लैस है, जबकि DRDO के इस मिशन का तीसरा स्टेज विकास की शुरुआती स्टेज में है, जिसकी मिसाइलों का डिजाइन किया जा चुका है। लेकिन इन मिसाइलों की ताकत बेहद भयंकर होने वाली है, जिनके आगे हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दम तोड़ देंगी। इस मिशन के लिए तमाम तकनीकियों और जद्दोजहद की जरूरत है, और शस्त्र रडार उसी का एक बड़ा और मजबूत हिस्सा है। तो दोस्तों, भारत के इस नए हथियार और सुरक्षा कवच तैयार करने के इस मिशन पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।